इंसानों के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका शरीर। शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। लेकिन आज के दौर में इंसान की कमाई का एक हिस्सा दवाइयों में ही निकल जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के इस आदेश के बाद अब ये खर्चा कुछ कम होने वाला है। वैसे तो ये खबर इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन हमने इस खास खबर को दैनिक जागरण से लिया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए नियम जारी किए हैं, जिससे अब डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नए नियमों के अनुसार सभी डॉक्टर को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। ऐसा ना करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा और यहाँ तक कि प्रैक्टिस करने का उनका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ यह लिखेगा कि उस बीमारी के लिए मरीज को क्या फॉर्मूला लेना है, ना कि किसी ब्रांड की दवा का नाम। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC ने अपने पंजीकृत चिकित्सकों के व्यवसायिक आचरण से संबंधित विनियम में डॉक्टरों से ब्रांडेड जेनरिक दवाएं लिखने से बचने के लिए भी कहा है। NMC ने 2 अगस्त को प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि इंडियन मेडिकल काउंसिल की ओर से 2002 में जारी नियमों में ऐसे मामलों में सजा देने का कोई जिक्र नहीं था। 2 अगस्त को अधिसूचित NMC के नियमों में कहा गया है कि भारत में दवाओं पर अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा है। उसमें बताया गया है कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30-80% तक सस्ती होती हैं। इसलिए जेनेरिक दवाएं लिखने से दवाओं की लागत में कमी आ सकती है। आपको बता दें कि ब्रांडेड जेनेरिक दवा वह है जो पेटेंट से बाहर हो चुकी है और दवा कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती है और विभिन्न कंपनियों के ब्रांड नामों के तहत बेची जाती हैं। ये दवाएं ब्रांडेड पेटेंट संस्करण की तुलना में कम महंगी हो सकती हैं, लेकिन दवा के थोक निर्मित जेनेरिक संस्करण की तुलना में महंगी हैं। NMC ने कहा कि अस्पतालों और स्थानीय फार्मेसियों को भी जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए। मरीजों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें जन औषधि केंद्रों और अन्य जेनेरिक फार्मेसी दुकानों से दवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।